हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट लेसन में। आज का हमारा प्रोजेक्ट है पोल्यूशन कंट्रोल, जो कि ये पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर हमने बनाया है कि पोल्यूशन कैसे फैलता है और क्या क्या चीज़ों से हम कंट्रोल कर सकते हैं पोल्यूशन को। ये सारा प्रोसेस के अंदर हमने शो किया हुआ और ये एग्जीबिशन का मॉडल है। ये बहुत ही अच्छा मॉडल है। इसका आपने DIY किट देखा होगा, दो दिन पहले जो अपलोड हुई थी, एक दिन पहले जो अपलोड हुई थी वो आपने देखी होगी। वो वीडियो भी आप इसको, यही सेम वीडियो है और सेम प्रोजेक्ट है। सेम प्रोजेक्ट को हमने किट में कैसे बनाया उसमें वो चीज़ शो किया हुआ। इस प्रोजेक्ट में हम आपको बताएंगे कैसे इसे एक्सप्लेन करना है और कैसे आप लोग इसे अगर बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो। कैसे बनाना है तो बनाने के लिए तो वीडियो आप वही देख लीजिए। और अगर आपने जानना कि इसके अंदर क्या क्या यूज़ किया और क्या क्या इसका वर्किंग है, क्या क्या नॉन वर्किंग है, कैसे आपने इसको बताना है स्कूल में, तो उस चीज़ के लिए आपको इस वीडियो में अपने रही। और अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट को तो ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी सेफ एंड सिक्योर, आपको 4 से 5 दिन मैक्सिमम 1 वीक में आपको डिलीवर हो जाएगा ये प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट जिस तरह आपको दिख रही है एज इट इज, सेम टू सेम आपको इस तरह ही मिलेगा, बट किट फॉर्म में मिलेगा आपको सारा चीज़, जो कि आपको 10 से 15 मिनट या 20 मिनट रख लीजिए आपको असेंबलिंग में लगेगा। जो कि असेंबल सारा चीज़ किया हुआ आप देख रहे हैं, जितने भी ये सारे कटआउट हैं ये सारे प्लग है इसके अंदर। जैसे ये फिगर है, ये प्लग है, यहाँ पे होल किए हुए हैं और ये चीज़ आपने इसके अंदर प्लग किया हुआ है। सेम उसी तरह हमारा जो ग्रास है, ग्रास भी हमारा इसमें प्लग किए हुए हैं। आप देख रहे हो ग्रास डेकोरेशन वाला आइटम सारा प्लग किए हुए हैं, इसमें आपने ऐसे करना है। तो ये सारा किट फॉर्म में, तो हम आपको एक एक चीज़ में इसमें बता देते हैं कैसे कैसे क्या चीज़ है। तो आप इधर देख रहे हैं, हमने पहले इंडस्ट्री चालू करते हैं, इंडस्ट्री से इंडस्ट्री की शो किया हुआ हमने। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होते हैं हमारी चिमनी लगी होती है, उसके जो गंदे पानी होते हैं जो रिवर में छोड़ते हैं रिवर पोल्यूशन करने के लिए, वो सब चीज़ दोनों उस चीज़ पर हमने फोकस किया हुआ है इस मॉडल में। इस चीज़ में हमने एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया हुआ है, थोड़ा सा एयर फिल्टर लगाया है इसके अंदर। एयर फिल्टर से हमने एयर फिल्टर करके उसके बाद हमने इसको एयर को ऊपर छोड़ा हाइट पे, ठीक है। और दूसरा हमने जो हमारे जो पोल्यूटेड वाटर होता है जो कि हम डायरेक्ट रिवर में छोड़ते हैं, डायरेक्ट रिवर में आप यहाँ देख रहे हो डोंट डू इट का बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट रिवर नहीं छोड़ना चाहिए, इससे हमारा एयर रिवर पोल्यूशन हो रहा है। इसको हम एक टैंक में वाटर, देखिए आप देख रहे हो एक पोल्यूटेड वाटर का टैंक है व्हाइट कलर का, ये आपको देखिए इसके अंदर पानी है। इसके अंदर आपने स्टोर करना है वाटर को, इसमें आप कलरफुल वाटर डाल सकते हो। हमने अभी नॉर्मल वाटर डाल रखा है इसमें, और इसमें डालने के बाद इसमें कॉपर और जिंक, आप ये देख रहे हो कॉपर और जिंक है जिसके अंदर, ये इसके अंदर हम जब डालेंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो और ये लाइट जलेगी, तो हम आपको आगे दिखाएंगे, आप वीडियो में बने रहिए। पहले हम आपको बताते हैं सारा चीज़, उसके बाद जो उसके बाद हम आगे उसको यूज़ करने के बाद वाटर फिल्टर प्लांट के थ्रू थोड़ा सा फिल्टर करके, ताकि हम अपने रिवर में छोड़ पाएँ, रिवर हमारा पोल्यूशन ना हो, रिवर पर यूज़ कर सकते हैं हम आगे। इधर फार्म जो बनाए हमने खेतों में भी यूज़ कर सकते हैं ये इरीगेशन के लिए प्लांट को, ठीक है। दोनों प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं अगर हम इसको वाटर फिल्टर कर दिया तो। ये चीज़ हमने यहाँ कंट्रोल कर लिया तो हमारा एक पोल्यूशन कंट्रोल हो गया। दूसरा हमने यहाँ पे एक शो किया हुआ इधर बायोगैस, बायोगैस के बाद में आपको बताते हैं आगे। पहले हम इधर जाते हैं सोसाइटी, एक तरह से हम सोसाइटी या उसको आप एक अपार्टमेंट बता सकते हैं, इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ हमने नहीं करना चाहिए। पहले हमें दिख रही है अभी हॉस्पिटल है, ये स्कूल है, स्कूल और हॉस्पिटल है हमारे वहाँ के आसपास में। ये जो DJ हो गया, या तो आपको माइक में कोई प्रचार कर रहे हो या कोई लाउड स्पीकर बजा रहे हो, ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं डोंट डू इट का बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, ये सब चीज़ यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल का सीन क्रिएट किया हुआ और मैंने इधर स्कूल का सीन क्रिएट किया हुआ और इधर सोसाइटी है। तो इतने से जगह में सारी चीज़ दिखाने तो आप ये समझ सकते हो कि हमने सारा चीज़ इसके अंदर बता दिया। तो ये चीज़ नहीं करना चाहिए, इस पर रोक लगाना चाहिए, हमें कम से कम करना चाहिए, हमें कम वॉल्यूम में सारा म्यूजिक सुनना चाहिए, ठीक है। ये सब चीज़ इसके अंदर है। और बाकी हमारा स्कूल, अगर स्कूल के पास अगर हम ये सब चीज़ करते हैं तो स्कूल के बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, ये सब चीज़ रिलेटेड, ठीक है। और हमारे पेशेंट को भी हम पहुँचता है, उनको भी दिक्कत होती है। तीसरा, दूसरा हमने इधर इको फ्रेंडली अपार्टमेंट शो किया हुआ है, इको फ्रेंडली अपार्टमेंट जिसके अंदर की सारा ग्रीन रूफ है, आप देख रहे हो ग्रीन रूफ है। इसके अंदर हमारा ये जो हमारा फार्मिंग है, छोटी छोटी जो स्टेप फार्मिंग होती है हमारी, वो सारा चीज़ हमने, या आप रूफ फार्मिंग कह सकते हैं, जिसके अंदर हमने ग्रीन रूफ बनाया हुआ है और उसके ऊपर हमने सोलर पैनल लगाए हुए हैं और सोलर ऑपरेटेड ये सारे बिल्डिंग है, इसको कह सकते हैं ग्रीन इको फ्रेंडली अपार्टमेंट। इसमें आप बिल्कुल ग्रीन एनर्जी को यूज़ कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इसके अंदर प्लांट भी हमने शो किया हुआ है। उसके बाद हमने इस आइटम शो किया हुआ कि जो डस्टबिन होती हैं, मोस्टली हम डस्टबिन में कचरे नहीं डालते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इकट्ठा करते हुए दिखाया हुआ और ये डोंट डू इट का बोर्ड भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। करना कैसे चाहिए, हम अगर अलग अलग डस्टबिन में अगर सारे कचरे रखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है प्लास्टिक, आप देख रहे हो प्लास्टिक पेपर मेटल ग्लास जो भी है, अगर हम अलग अलग सेपरेट करके रखेंगे ताकि जो ये बोर्ड लगा हुआ है रिसाइकल रीयूज एंड रिड्यूज, ये सब चीज़ करने में प्रोसेस आगे करने में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी।
यहाँ आप देख रहे हैं कि इस साइड हमने जो शो किया है वो इस साइड हमने रेलवे स्टेशन शो किया हुआ है। यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि हमारा जो अपने व्हीकल है वो व्हीकल ज़्यादा पोल्यूशन ना करे। और इस साइड हमने शो किया हुआ क्या क्या इफेक्ट होती है हमारी, ये सब चीज़ यूज ना करना चाहिए कम से कम। एक तो डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, डोंट डू इट, एंड ट्री प्लांटेशन डू, ये चीज़ करना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाना चाहिए हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए जिसमें कि आपका जैसे एयर कंडीशन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, स्प्रे हो गया, रॉकेट हो गया, ये सब चीज़ जो है हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी आ रही है आपदाएँ उससे हमें ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये सब चीज़ यूज कम से कम करें। और ये ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है, ओजोन लेयर से इफेक्ट होने से हमारे ज़मीन बंजर हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे स्किन पर अलग अलग डिजीज हो रहे हैं, अलग अलग बीमारियाँ हो रही हैं, हम देख रहे हो इसी से शो किए हुए हमने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हो रही है। हम आप आसपास सफाई रखें, सफाई रखने के लिए हमने यहाँ पे देखिए झाड़ू लगाते हुए लड़ते हुए दिखाया है। ये सब चीज़ हम गंदगी ना फैलने दें ताकि हमारे कोई जो हमारे जैसे मच्छर पैदा ना हो ज़्यादा। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइकिल यूज, साइकिल को ज़्यादा ज़्यादा हमें यूज़ करें, उसका सोलर ऑपरेटेड। यहाँ आप देख रहे हैं इस साइड हमने डू एंड डोंट का बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सोलर ऑपरेटेड जितने व्हीकल है वो यूज़ करना चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल, हमने पेट्रोल या कोई भी चीज़ जो है पेट्रोल से रिलेटेड डीजल हो गया, इससे व्हीकल हमारा यूज़ कम से कम करना चाहिए। धीरे धीरे हमारा सारा कन्वर्ट हो रहा है, हमारा सोलर चार्जिंग पावर स्टेशन यहाँ लगाया हुआ है आप देख रहे हो इस साइड हमने, ठीक है। और इस साइड हमने सीएनजी स्टेशन शो किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस शो किया हुआ है, जो बस के यूज ज़्यादा करें, अपने व्हीकल कम से कम आप यूज़ करें, ठीक है। उसके बाद इधर हमने जो बायोगैस है, बायोगैस शो किया हुआ है, उसका प्रोसेस हमने शो किया हुआ है। जितने भी हमारे यहाँ पे अलग कचरा जैसे घर का गीला कचरा हो गया तो वो सही चीज़ हमारे बायोगैस में डलेंगे, और अलग अलग चीज़ जैसे गाय का गोबर हो गया ऐसे ऐसे डाल के हम बायोगैस प्लांट को यहाँ पे बायोगैस प्लांट में डालेंगे। यहाँ से गैस जनरेट होगी, गैस हमारे जैसे बायोफ्यूल भी निकलते हैं इसके अंदर, अलग अलग चीज़ डालेंगे तो बायोगैस भी निकलेंगे। और यहाँ पे हमने एक शो किया हुआ बर्निंग राइस स्ट्रॉ, जो हमारी पराली होती है, पराली को जलाते हैं खेतों में, जो हमारे फसल कटने के बाद जो बाकी पार्ट रह जाते हैं उसको हम खेतों में जला देते हैं, उससे जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होती है और हमारे जो आसपास के एरिया होता है वहाँ पे धुंध छा जाता है, धुएँ छा जाता है और वहाँ पे एक्सीडेंट होने का भी खतरा हो जाता है। तो ये सारा चीज़ हमने यहाँ पे शो किया हुआ, इसे हम रोकने के लिए हमने इसको कटिंग करके जलाए ना, हम इसको बायोगैस प्लांट में डालेंगे जिससे कि हमारा आगे बायोगैस और बायोफ्यूल जनरेट होगा, जो कि बायोफ्यूल हमारा बायोफ्यूल का पाइप आप देख रहे हो, पाइप हमारा कनेक्टेड है हमारे इंडस्ट्री के साथ, और जो बायोगैस हमारा ये सिलेंडर में फील हो रहा है ये शो किया हुआ, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। उसके बाद यहाँ पे हमने दिखाया कि हम जो गार्बेज है, जो डोंट डू इट का बोर्ड लगा हुआ है, गार्बेज को रिवर में नहीं छोड़ना चाहिए, जो कचरा होता है कई बार हम रिवर में छोड़ते हैं, नदी में नदी पोल्यूशन होता है उससे हम नहीं करना चाहिए, तो यहाँ लगा हुआ है। और यहाँ पे रिवर को बचाने के लिए हमने यहाँ पे लगाया हुआ कि क्लोथ वॉशिंग, तो ये भी नहीं करना चाहिए। डेड एनिमल को, एनिमल को हम जानवरों को फेंक देते हैं, मरे हुए जानवरों को, एनिमल को वो नहलाते हैं, ये सब चीज़ रिवर में हमें नहीं करना चाहिए। अगर करना हो तो आप ऊपर जा कर करें ताकि आपका रिवर पोल्यूशन ना हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत चीज़ गंदगी फैल जाती है। तो ये सब चीज़ सारा कंट्रोल कर लिया है। बाकी हमने एक विंडमिल लगाई है, दो विंडमिल लगाई हुई, जो डमी है जो वर्किंग नहीं है, ये सब सारा चीज़ हमने जो आपको विंडमिल है, विंडमिल से इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी जनरेट हो रही है उसको हम स्टोर कर रहे हैं बैटरी में, उसके बाद यूज करके हम यहाँ पे आपको सोलर स्ट्रीट लाइट, जो लाइट जला हुआ है इसमें लाइट जलाएंगे, आपको लाइट जला के दिखाते हैं। और ये तो वर्किंग आपका ये रह गया, जो वर्किंग जो हमने बताया था आपको लास्ट में दिखाएंगे। तो ये वर्किंग आप जैसे कि हम इसके अंदर पोल्यूशन पोल्यूटेड वाटर है, कॉपर जिंक के प्लेट जैसे हम इसके अंदर डालते हैं तो लाइट जल रही है, देख रहे हैं आप ये देखिए बंद होगी, एक मिनट हो गया, अभी देखिए बंद है, जल गई लाइट यहाँ पे। तो ये लाइट जलेगी, ये लाइट से जितनी भी बिजली जनरेट हो रही है उसको हम आगे बैटरी में स्टोर कर रहे हैं, पीछे बैटरी लगी हुई है इसके बेस के नीचे, उसके बाद हम उसको यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करने के लिए हमने जितने स्ट्रीट लाइट है सारे स्ट्रीट लाइट के ऊपर यूज़ करते हुए दिखाया है। तो इसको हम स्विच को ऑन करते हैं, यहाँ स्विच लगा हुआ है, आप देख रहे हैं ये लाइट ऑन हो जाएगी आपके सारा, आप देखिए ये सारे लाइट ऑन हो चुकी है, तो ये इसका वर्किंग है, ठीक है। अब दो चीज़ के अंदर, इसके अंदर वर्किंग है, बाकी चीज़ आपने एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा मॉडल है एग्जीबिशन का, जो कि आपने देखा, मैंने आपको एक ही चीज़ आपको बताया इसको कैसे इसको हमने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको कैसे इसको हमने बनाया हुआ है, उसके लिए आप दूसरा वीडियो देख सकते हो DIY किट वाला। तो फ्रेंड्स बताइए कैसी लगी ये कम्प्लीट प्रोजेक्ट, जो कि मॉडल ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल के ऊपर हमने बनाया हुआ है, सारा चीज़ हमने शो किया हुआ है। कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने बच्चों के साथ, ताकि उनको इस तरह का एजुकेशनल प्रोजेक्ट, एजुकेशनल किट का हेल्प मिल पाए और वो भी अपनी स्कूल कॉलेज के लिए बना पाएँ।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।